हर दिन के 24 घंटों में आप क्या क्या करने वाले हो ये आपके सुबह के 3 घंटों में तय हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने लग गए तो आपका एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अपने पीक पर होगी। इसलिए हम आपको जी ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल बताने वाले हैं जो आपके हर सुबह और हर दिन को पूरी तरह परफेक्ट बना देगी सिर्फ सुबह के 3 घंटों में। प्रिंसिपल नंबर 1, इंटेंशन सेटिंग एंड सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको अपने अगले दिन का इंटेंशन पहले से सेट करके अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, जिसे करने का सबसे पहला स्टेप है। आप अपना मॉर्निंग रूटीन सक्सेसफुली कर पाओगे या नहीं ये मॉर्निंग में नहीं बल्कि उससे एक रात पहले ही डिसाइड हो जाता है। कल क्या क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना है, कल कपड़े कौन से पहनने हैं, ज्यादातर लोग ये सारे डिसीजन सुबह उठने के बाद ही लेते हैं और अपना लिमिटेड विल पावर और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को वेस्ट कर देते हैं, जिसे करने से आपको बचना है ताकि सुबह सुबह आप अपना फोकस और मेंटल एनर्जी बाकी के इम्पोर्टेंट चीजों के लिए सेव कर पाओ। और इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक रात पहले इफेक्टिव जर्नलिंग करना, यानी सोने से 5-10 मिनट पहले आपको बस ये 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहला, अगले दिन के वो 2 सबसे जरूरी काम जो आपका सबसे ज्यादा फोकस और इंटेंशन लेते हैं, जिसे आपको किसी भी हालत में कम्प्लीट करना है। स्टडी करना, कोई काम करना, कोई असाइनमेंट कम्प्लीट करना, अपने टेस्ट और एग्जाम के लिए पढ़ना हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो। दूसरा, इन कामों के पीछे आपका अल्टीमेट गोल या रीजन क्या है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे, आप एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाओगे। इसके बाद ये भी जरूरी है कि आप ये प्रेजेंट टाइम में लिखो, जैसे ये काम करने से आपका अल्टीमेट गोल अचीव हो चुका है, आप जो सोच रहे थे वो सच हो चुका है। तीसरा, आप अपना स्ट्रेस और परेशानी को भी लिख दो। जो भी चीज आपको आज परेशान कर रही है उसे अपने दिमाग से निकाल करके एक पेपर पे लिख दो, ताकि वो आपको कल सुबह परेशान न कर पाए। जब आप ये 3 चीजें करके 7-8 घंटे नींद लोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को अपने अंदर रजिस्टर करेगा और आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, सेट योर माइंडसेट फॉर अ प्रोडक्टिव डे। 80% लोग सुबह उठने के 15 मिनट में ही अपना मोबाइल यूज करने लगते हैं। फोन यूज करने से आपका ब्रेन बस चीजें पील कराते हैं, या तो आप कुछ अच्छा और पनी देख के एक्साइटेड हो जाते हो, आपको डोपामिन का हिट मिलता है, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज या अपने ब्रेन को अच्छी जगह घूमते हुए देखकर आप एंग्शियस और स्ट्रेस हो जाते हो, और इन दोनों से ही आपका ब्रेन डिमेज हो रहा होता है। और सुबह सुबह ऐसा देखने से आपके पूरे दिन के लिए एक मूड सेट हो जाता है। इनफैक्ट स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोतमबर्ग के एक स्टडी में ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मोबाइल फोन को यूज करने से यंग मैन और वुमेन में स्लीप डिस्टर्बेंसेस पैदा होती है, यानी वो सही से सो नहीं पाते और सुबह गलत तरीके से उठ जाते हैं। साथ ही इस स्टडी से ये भी साबित हुआ है कि हाई यूजेज ऑफ मोबाइल और डिप्रेशन में डायरेक्ट लिंक है। इसलिए स्टेप नंबर 2 है कि आपको सुबह उठने के बाद अपने मोबाइल से दूर रहना है, सिर्फ मॉर्निंग रूटीन तक नहीं बल्कि आफ्टरनून दोपहर तक, जब तक आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम खत्म नहीं हो जाता। आपको अपना फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। प्रिंसिपल नंबर 3, सेट इंटेंशन फॉर द डे। इंटेंशन से ही काम में इंटेंसिटी पैदा होती है। आपने एक रात पहले जर्नलिंग करके अपने दिमाग में एक बीज बोया था, हर सुबह उठ के आपको इस बीज को पानी देना है। सुबह उठने के बाद आपको पूरे दिन का इंटेंशन सेट करनी है। एक रात पहले आपने जो सोचा था आज उसे रियलिटी बनाने पे काम करना है। ये होगा कैसे? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से, मोबाइल फोन ना यूज करके। आपको मेडिटेशन, अफर्मेशन या सिंपल प्रेयर करनी है। आप इन तीनों में से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर सिंपली अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद बाहर आराम से बैठ के जहाँ आपको सनलाइट मिल रही हो एक ग्लास पानी आराम आराम से पियो, जो अपने आप में एक मेडिटेटिव एक्टिविटी है। अगर आपने बस सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपने अपने दिन का एक स्ट्रांग फाउंडेशन सेट कर लिया। इसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले वो काम करना जो आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सुबह एनर्जी हाई होती है, विल पावर भी हाई होता है और आपका फोकस लेवल भी सबसे हाई होता है। रात को सोने से पहले आपने अपना सबकॉन्शियस भी रिप्रोग्राम करा है और सुबह उठने के बाद आपने इंटेंशन भी सेट कर दिए, और इस टाइम एक्सटर्नल डिस्ट्रेक्शन भी सबसे कम होती है। ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने गोल को रियलिटी बनाने पे काम करने का। इसे ईट द प्रॉग रूल कहते हैं, यानी अपने दिन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को आपको दिन के शुरुआत में करनी है। तो ध्यान रहे कि आपको हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपना सबसे बड़ा फ्रॉग कर रहे हो, इसके बाद बाकी सारे काम कर रहे हो।
इसे करना कैसे है, आओ उसे स्टेप नंबर 4 में जानो। प्रिंसिपल नंबर 4, पालो 2 सेशन ऑफ 90 मिनट्स रूल। आपको 90 मिनट्स के दो डीप वर्क सेशन रखनी है। सुबह जल्दी उठो और सीधा अपने दिन के सबसे इम्पोर्टेंट काम करने लग जाओ। अपने फोन में 90 मिनट्स का टाइमर लगाओ और फोन को इतना दूर रखो कि आपको 90 मिनट्स बाद सिर्फ फोन का आवाज आ पाए, आप उसे यूज ना कर पाओ, और बस अगले 90 मिनट्स के लिए आप अपने काम पे लग जाओ। जब 90 मिनट्स पूरे हो जाए तो 30 मिनट्स का एक ब्रेक लो और उस ब्रेक में कुछ गा लो, थोड़ा सा अपना बॉडी मूव करो और फिर वापस से काम पे लग जाओ। 90 मिनट्स का एक आवर डीप वर्क सेशन कंप्लीट करो। लेकिन याद रहे, इस 30 मिनट के ब्रेक में आपको बिल्कुल भी अपना फोन छूना नहीं है, फोन को दोपहर तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 90 मिनट्स के दो सेशन आप हमारे बात को गलत मत समझना। हम आपको सिर्फ दिन के 3 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कहते, पर हम आपको ये कहते हैं कि आप जितना भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सुबह के 3 घंटों में आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सुबह के इन 3 घंटों में डीप फोकस करो, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी आपके सबसे मुश्किल काम में खर्च होनी चाहिए। अगले 90 दिनों तक हर सुबह 90 मिनट्स का दो डीप वर्क सेशन करो और हर दिन अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम पूरा करो। आप अपने लाइफ में खुद चेंजेस नोटिस करोगे, बस एक शर्त पे कि आपको इंटेंसिटी के साथ काम करना है। यानी आप कितने देर काम कर रहे हो इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हो। 10 साल से मैकिन्सी से लिए गए स्टडी ने साबित करा है, 5 घंटे के फ्लो स्टेट में आप जिस क्वालिटी का काम करते हो उतना आप नॉर्मल 9 घंटों में भी नहीं कर सकते। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि टॉप एग्जीक्यूटिव फ्लो स्टेट में आके 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने नॉर्मल डे से 500% ज्यादा अचीव कर पाते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 5 है कि आपको अपने वर्क सेशन में फ्लो स्टेट तक जाना है और फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए आपको अगला प्रिंसिपल जानना जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 5, वर्क इन फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट इन 4 स्टेजेस से होके गुजरते हैं। सबसे पहले आप जब काम करने बैठते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, बाहर का चीजें आपका इंटेंशन ले रही होती है। इसके बाद आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और आपका मन ही आपको बहका रहा होता है। इसी टाइम आप सेमी डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो। इसका बाद का स्टेज आता है फोकस, जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपका काम कर रहे होते हो। इसी फोकस में कंटिन्यूस रहते हुए आप लास्ट में आके फ्लो स्टेट अचीव कर पाते हो, जहां आपका ब्रेन उस एक काम में पूरी तरह इन्वेस्ट हो चुका होता है, जो अपने नॉर्मल फोकस स्टेज से 5 गुना ज्यादा तेजी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और 5 गुना ज्यादा तेजी से आइडियाज जनरेट कर रहा होता है। और इसी टाइम आप हाइपर फोकस हो चुके हो। यानी ये दिन का सबसे सही टाइम है डीप वर्क स्टेट में जाके काम करने का, क्योंकि इस लेवल का फोकस, एनर्जी और पीस आपको पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलने वाला। सुबह के ये 3 से 4 घंटे आपके करियर का बनाने या बिगाड़ने का पावर रखता है। इसी पावर को अच्छे से यूज करो और इंटेंसिटी के साथ काम करना शुरू करो। प्रिंसिपल नंबर 6, डिटेच योरसेल्फ। अपने माइंड से हाई इंटेंसिटी काम कराने के लिए आपको उसे टाइम टू टाइम रिकवर करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मशीन से हाई इंटेंसिटी टास्क कराते रहने पे धीरे धीरे उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, परफॉर्मेंस लो हो जाता है, ठीक उसी टाइम आप उसे चार्ज पे लगाते हो और चार्ज हो जाने पे वापस उस पे काम करते हो। ठीक उसी तरह अपने माइंड को भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको ये लास्ट चीज फॉलो करनी है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड मूव योर बॉडी। साइकोलॉजिस्ट अलांद्रो लेरिस ने अपने रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने अपने 50 मिनट के टास्क में छोटे छोटे ब्रेक्स लिए थे, वो लोग अपना फोकस ज्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाते थे उन लोगों के मुकाबले में जो लगातार काम कर रहे थे। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ मॉर्निंग में नहीं बल्कि पूरे दिन फोकस में रहो, तो अपने काम में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की आदत डालो। जब भी आप अपने अटेंशन को लॉस होते हुए नोटिस करो और इंटरनली डिस्ट्रैक्टेड फील करो, तो ये सिग्नल है आपको 5-10 मिनट्स का एक छोटा ब्रेक लेने का। ब्रेक भी ऐसा हो कि आपका अटेंशन वापस लेके आए, उसे खर्च ना करे। ब्रेक में आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, बल्कि सबसे बेस्ट ये है कि आपको हर 5-10 मिनट के ब्रेक्स में अपने बॉडी को मूव करना है। सिंपल स्ट्रेचिंग या लाइट बॉडी वेट से आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जो आपको फोकस रहने में मदद देगा।